नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाराष्ट्र में संजय राउत का जो बयान है लगातार आ रहा है। बगावत की है विधायकों ने, लेकिन सजा पूरे महाराष्ट्र को दी जा रही है। संजय राउत हंसते हुए एक इंटरव्यू देते हैं इंडिया टुडे को। जब रिपोर्टर उनसे सवाल ये पूछती हैं कि क्या ये जो ट्रेलर दिखाया है आपने, जो पुणे में हंगामा हुआ है, तो संजय राउत ये कहते हैं कि ये ट्रेलर भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वार्निंग है और इसे मैं हिंसा नहीं मानता, ये दंगा नहीं है। अग्निवीर स्कीम आई उसके बाद लोगों ने जिस तरीके से हिंसा की, तो वो हिंसा नहीं थी, लोगों की भावना थी जो फूट गई है। अब महाराष्ट्र में भी यही होगा। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र को आग में झोंकने की तैयारी चल रही है। अगर विधायकों ने बगावत की है तो क्या महाराष्ट्र को जलाया जाएगा? सत्ता के लिए आपने देखा होगा फिल्मों में किस तरीके से नेताओं का चेहरा सामने आता है और यह दिखाया जाता है कि सत्ता पाने के लिए वो देश में दंगे करवाते हैं। अब महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है और संजय राउत सामने आकर मीडिया से बात करते हुए, इंडिया टुडे से उन्होंने बात करते हुए हंसते हुए ये जवाब दिया है। और अगर आप देखेंगे ये पूरा इंटरव्यू, तो इससे साफ पता चलता है कि संजय राउत को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि आम जनता पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा। और जो विधायकों ने बगावत की है उन्हें भी लगातार धमकी दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुंबई आओगे तब बताएंगे। इससे पहले तो ये कहते थे कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं, उद्धव ठाकरे भी और संजय राउत, तो क्या आज कानून और संविधान की बातें वो नहीं करेंगे? साफ ये बता रहे हैं कि कानून और संविधान अपना काम कर रहा है, गृह मंत्री अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो होना है वो होगा और ये ट्रेलर भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वार्निंग है। मतलब आगे भी बहुत कुछ होने वाला है महाराष्ट्र में और आप देखते जाइए कि किस तरीके से बयानबाजी लगातार आ रही है, डराने धमकाने की कोशिश बागी विधायकों को की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि थाने में वो अपना अब शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना विरोधी महाविकास आघाड़ी सरकार को ही ऐसे ही करार उन्होंने नहीं दिया है, इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। दरअसल उद्धव ठाकरे की जो बैठक होने वाली है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उस बैठक में ये फैसला लिया जाएगा कि शिंदे को शिवसेना से बाहर किया जाए। यानी कि लगातार शिकंजा कसने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन शिंदे जो है वो हार मानने वालों में से नहीं है। लगातार धमकी के बावजूद वो खड़े हुए हैं और बाला साहब ठाकरे अपनी, उनका जो गुट है उसका नाम भी रखने वाले हैं, शिवसेना बाला साहब ठाकरे। जी हाँ, ये खबरें इस वक्त आ रही हैं और सोशल मीडिया पर संजय राउत का ये जो बयान आया है वो ट्रेंड कर रहा है। लगातार लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सत्ता के लिए महाराष्ट्र को जलाने की संजय राउत कोशिश कर रहे हैं? ये जो हंसी है, ये हंसी एक इंसान की नहीं हो सकती, एक जिम्मेदार नेता की नहीं हो सकती, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो इंडिया टुडे यानी कि नेशनल टेलीविजन पर बैठकर अगर इस तरीके से बयान देते हैं तो महाराष्ट्र में बहुत कुछ होने वाला है। इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद आपने देखा पुणे में दंगा भड़क गया और सवाल यही पूछा गया था, उन्होंने कहा कि ये कोई दंगा नहीं है, लोगों की भावनाएं हैं और भावनाएं अब आहत हुई हैं तो दंगा भड़केगा। गृह मंत्री अपना काम कर रहे हैं और लोग अपना काम करेंगे, यानी कि सब कुछ मिली भगत है। और आपको बता दें कि खबर ये भी आ रही है कि पुलिस कमिश्नर उद्धव ठाकरे से मिलने गए थे, यानी कि अब सब कुछ मिलकर किया जाएगा। जो संजय राउत कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज वो तलवारें चलाने की बात कर रहे हैं, आज वो आग लगाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल संजय राउत का ये जो बयान आया है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।